चलो स्टार्ट. वी वर डूइंग पीएन जंक्शन डायोड, राइट. तो इसमें हमने कल सारी थ्योरी की कि पी टाइप एन टाइप मटेरियल्स क्या होते हैं. इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, टेल मी व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. नेम द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. प्रोटॉन्स. सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? फोटोन्स. अच्छा, मैंने कहा प्रोटॉन्स कह रहे हो आप. फोटोन्स. डुअल नेचर इज ओवर. हम इधर आ गए हैं, कोई फोटोन नहीं है यहाँ पे. कौन से होते हैं चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स? इलेक्ट्रॉन्स. वो तो मेटल्स में होते हैं. सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? कुछ भी बोली दो अब. इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. होल्स. होल क्या होता है? व्हाट इज अ होल एक्चुअली? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर द चार्ज कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर. कल का लेक्चर अटेंड करते तो उसमें यही सब कुछ था. हाँ, दिस इज द सीट और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से निकल जाता है तो उसकी जो वैकेंसी होती है उसको कहते हैं होल. तो इट इज हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फॉर चार्ज. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होती है. होल. पी टाइप मीन्स पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर. उसमें पॉजिटिव टाइप मतलब होल ज्यादा होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं. होल्स का नंबर ज्यादा होता है, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं. और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं इन पी टाइप. एन टाइप में नेगेटिव टाइप मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. ये बेसिक डिफरेंस. अब जब हम इन पी टाइप एन टाइप को ज्वाइन कर देते हैं, वी गेट पीएन जंक्शन डायोड. तो अब हमने आज डिस्कस करना था पीएन जंक्शन डायोड. सो दिस इज अ पीएन जंक्शन डायोड. पी टाइप एन टाइप को ज्वाइन कर दिया. अब फॉर होल्स वी आर यूजिंग दिस सिंबल. फॉर इलेक्ट्रॉन्स वी आर यूजिंग दिस सॉलिड. दिस इज इलेक्ट्रॉन. अब पी टाइप में आई टोल्ड यू कि होल्स आर मोर. होल्स मेजॉरिटी में है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है. एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो ज्यादा है, नंबर ज्यादा है. और होल्स माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. एज वी ज्वाइन देम ड्यू टू डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दे स्टार्ट मूविंग अक्रॉस द रिंग, ठीक है. ड्यू टू डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन. ये जंक्शन है, दिस इज जंक्शन जहां उनको ज्वाइन किया. तो अब यहाँ पे होल ज्यादा है पी टाइप साइड पे, इस साइड पे होल्स का नंबर कम है. सो होल्स विल स्टार्ट मूविंग अक्रॉस द जंक्शन फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन, ठीक है. दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई टू लो. हमेशा ऐसे ही फ्लो होता है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे. और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन से पी की तरफ आएंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि व्हाई डज द डिफ्यूजन स्टार्ट, व्हाई डू द चार्ज पार्टिकल्स दे स्टार्ट क्रॉसिंग द जंक्शन, व्हाई डू दे स्टार्ट मूविंग? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. तो अब होल्स इधर आना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन्स उधर जाना शुरू हो गए, तो आपको उसका रीजन क्लियर होना चाहिए. Because of difference in concentrations, this is happening, right? तो अब ये इधर उधर मूव करना शुरू हो गए. अब सिंस पी टाइप साइड इज लूजिंग पॉजिटिव चार्ज, इट्स लूजिंग होल्स, इट्स लूजिंग पॉजिटिव चार्ज, इट विल कम एट अ नेगेटिव पोटेंशियल. सो इट विल लीव बिहाइंड आयंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस. एंड सिंस दे आर हैवी, दे विल बी एक्यूमुलेटेड नियर द जंक्शन. दे आर इमोबाइल, वो मूव नहीं कर सकते. तो जंक्शन के पास वो इकट्ठे हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है. आपको पता है कि जब एक सब्सटेंस में से, फॉर एग्जांपल एटम है, उसमें से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकालने, तो इट विल कम एट अ नेगेटिव पोटेंशियल, इट विल लीव बिहाइंड आयंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस. तो वो जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है, क्योंकि होल्स लीव करते जा रहे हैं पी टाइप साइड, तो दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड, देन दे विल गेट एक्यूमुलेटेड नियर द जंक्शन बिकॉज दे आर इमोबाइल. Same way as electrons are going there, this n side is coming at a positive potential.
एंड पॉजिटिव आयंस दे एक्यूमुलेट नियर द जंक्शन. पॉजिटिव आयंस एक्यूमुलेट नियर द जंक्शन. सो सून दिस हैपेंस वेरी सून, बहुत फास्ट होता है. डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन से डिफ्यूजन स्टार्ट होता है चार्ज कैरियर्स का अक्रॉस द जंक्शन, और उसकी वजह से क्या होता है, वेरी सून आफ्टर सम टाइम इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दे एक्यूमुलेट नियर द जंक्शन. सो दिस रीजन वेयर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर प्रेजेंट इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर. That is called depletion layer. And accumulation of equal and opposite charges across the junction, it gives rise to a potential difference also. इनकी वजह से एक field setup हो जाएगा, एक potential difference setup हो जाएगा across the junction. That field, electric field, is called barrier field. So they will give rise to their own electric field. That is called potential barrier or barrier field. Better you call it potential barrier. So these two terms are the basics of PN junction diode. You everyone must know what is depletion layer and what is potential barrier. ये पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे रामायण में main characters कौन से? हाँ? कोई कहेगा राम और सीता, कोई कहेगा राम और लक्ष्मण, कोई कहेगा राम और रावण, है ना? तो इसमें जो मेन करेक्टर्स है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में वो ये हैं. तो अगर पीएन जंक्शन डायोड में हम इन दोनों को मेंशन नहीं करेंगे तो इनकी वर्किंग इनकम्प्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट होगी, ठीक है? चलिए अब यहां तक हो गया. अब बैरियर सेटअप हो गया. वंस द बैरियर इज सेटअप इट विल स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन. Now, if they want to cross the junction, they have to cross this barrier. They must have sufficient energy to cross the barrier. So, diffusion band ho. Ab ye jo ek unbiased, isko unbiased PN junction bolenge. Ye hum kiski working kar rahe hain? Unbiased. Biased matlab jisko power supply nahi di. Ek diode pada hai aapke samne. To kya electricity conduct karega? Ek LED pada hai aapke samne. To kya usme se light nikal rahi hai? विदाउट पावर सप्लाई उसमें से लाइट निकल रही है, तो वही बात कर रही हूं मैं, अनबायस्ड. तो पर जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड को पहले बनाते हैं तो दिस हैपेंस, डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, बैरियर सेट होता है, डिप्लीशन लेयर बनती है, टेक सम टाइम. बट आफ्टर सम टाइम एज द बैरियर इज सेटअप देन इट स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन, तो इसलिए वो फिर चलता नहीं है, आप ये कह सकते. तो यहां तक आपने एक्सप्लेन करना है, दिस इज द वर्किंग ऑफ अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है कि डिस्कस द वर्किंग ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड एंड एक्सप्लेन द टर्म्स पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लीशन लेयर. चलिए अब हम डेफिनेशन, वर्किंग समझ में आ गई कि जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गई साइड, वो पॉजिटिव पे आ गई. सो नेगेटिव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर एक्युमुलेटेड नियर द जंक्शन, दे गिव राइज टू देयर ओन पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर. एंड द लेयर व्हिच इज डिवॉइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, ये जो लेयर है ना डिप्लीशन लेयर, इसको व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर, बिकॉज इट इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स. इसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं है, इसमें सिर्फ इमोबाइल आयंस हैं, ठीक है? सो वंस डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड, वंस द बैरियर इज सेट अप, इट विल स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस और हमारा डायोड वर्क करना बंद कर देगा. नाउ इफ वी वांट टू ऑपरेट द डायोड वी हैव टू बायस इट. बायस मींस वी हैव टू गिव इट पावर सप्लाई. तो अब हमें इसको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा अगर हम चलाना चाहते हैं. इज दैट फाइन? चलिए तो अनबायस डायोड की वर्किंग दोगे, फिर डेफिनेशन दोगे. लिखो डेफिनेशन. डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन लिखिए. इट इज द स्पेस अराउंड अ जंक्शन. डिप्लीशन लेयर इज द स्पेस अराउंड अ जंक्शन, स्पेस अराउंड अ जंक्शन विच इज डिवॉइड ऑफ, डी ई वी ओ आई डी, विच इज डिवॉइड ऑफ
free charge carriers, which is devoid of free charge carriers. Only immobile ions are present. मतलब ये just for your information है, definition otherwise आप वहां तक लिख सकते हो, which is devoid of free charge carriers. Okay, which is devoid of free charge carriers. अब लिखिए potential barrier को. ये imaginary है, fictitious है, actually वहां कोई battery नहीं लगी हुई, पर हम एज्यूम करते हैं कि तो इसलिए ये इमेजिनरी है पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, देखो बैरियर जो है वो क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है और डिप्लेशन लेयर स्पेस है. ठीक है, चलिए पोटेंशियल बैरियर, इट इज द फिक्टिशियस पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द फिक्टिशियस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप अक्रॉस द जंक्शन, सेटअप across the junction, it is fictitious potential difference set up across the junction due to accumulation of equal and opposite charges around it, due to accumulation of equal and opposite charges around it. ये charges आप देख रहे हो ना, ये जो ions है equal and opposite है, तो ये इस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, इस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, सो नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द बायसिंग ऑफ द डायोड. बायसिंग कैन बी डन इन टू वेज, फॉरवर्ड और रिवर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, a diode is said to be forward biased. ये बना लो पहले. So a diode is said to be forward biased if p type side is connected to positive of the battery and n type side is connected to negative terminal of cell or battery. Matlab p type positive se n type negative se agar is tarah se humne connect kiya, this is called forward biasing. Now how it happens, why do we do the forward biasing? Actually kabhi aapne agar led connect kiya ho khud to aapko pata hoga ki led has a longer leg and another terminal is little shorter. तो जो लॉन्गर होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव से नहीं करते क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस करते हैं उसको. एलईडी, एक सिंपल एलईडी ले लो तो उसमें, हाँ एलईडी ले लो आप छोटा सा, तो उसकी जो लॉन्गर लेग है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और शॉर्टर है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं. हाँ जी हरसिमर, क्या हो गया? हाँ जी मैम, क्या बोल रहे हो आप, क्या कह रहे हो, पूछ रहे हो, आवाज आ रही है तुम्हारी? चलो मैंने सबको म्यूट कर दिया. चलिए, सो व्हाट आर द इफेक्ट्स नाउ. अब ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव से रिपेल होके जितने भी होल्स थे पी टाइप साइड में, ज्यादा तो होल्स ही है इसमें, सो दे विल ऑल गेट रिपेल्ड बाय पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी एंड दे विल क्रॉस द जंक्शन. इससे उनको जंक्शन क्रॉस करने में हेल्प मिल रही है. ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग का ये एडवांटेज. सो होल्स विल स्टार्ट क्रॉसिंग द जंक्शन, होल्स विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग अक्रॉस द जंक्शन. सेम वे इधर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एन टाइप साइड में, दे विल गेट रिपेल्ड बाय नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट क्रॉसिंग द जंक्शन. तो फिर से, हाँ फिर से डिफ्यूजन स्टार्ट हो गई, तो डायोड जो है फिर से ऑपरेट होना स्टार्ट हो गया. नाउ तो ये नंबर वन हो गया, डिफ्यूजन स्टार्ट्स. कैसे स्टार्ट हुआ, दिस रीजन इज क्लियर टू यू. सेकेंड पॉइंट, अब जब मेनी चार्ज कैरियर्स आर नाउ क्रॉसेस द जंक्शन, क्रॉसिंग द जंक्शन, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है इट बिकम्स थिन, इसको ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाता, डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन, डिप्लीशन लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
depletion layer becomes thin. अब हमारा जो बैरियर फील्ड था वो इधर है, बैरियर फील्ड ईबी कह लो इसको, और जो अप्लाइड फील्ड है वो इधर है ई ए, अप्लाइड फील्ड. ठीक है ना, अप्लाइड फील्ड इज इन आवर हैंड्स, तो हम जितनी मर्जी वोल्टेज इंक्रीज करें ये बैरियर फील्ड को अपोज करेगा, सो उससे पोटेंशियल बैरियर की हाइट कम हो जाए, बिकॉज आर अप्लाइड फील्ड इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड. So as we'll increase the forward voltage, the barrier will decrease, barrier field will decrease. ठीक है, तो barrier जब कम होना शुरू हो जाएगा और diffusion easy होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि main hindrance क्या थी diffusion के लिए, setup of potential barrier. So height of potential barrier decreases. क्यों decreases? पता लग गया है, because our applied field is opposing the barrier field. Height of potential barrier decreases. So, large amount of current starts flowing now, and you can say the resistance of diode decreases during forward biasing. So, diode ka resistance jo hai, wo decrease ho jayega, or you can say low resistance path is offered. So that means low resistance path create हो जाएगा यहाँ पे. Low resistance path is created. अब धीरे धीरे barrier कम हो रहा है, हम voltage increase करते जा रहे हैं forward voltage, barrier की height और कम होती जाएगी. At certain voltage what will happen? Barrier will be completely overcome and large amount of current will start flowing after that. That forward voltage is called knee voltage. ठीक है, तो fifth point you will give regarding knee voltage. तो लिखिए what is knee voltage. तो ये five main points are regarding forward voltage जो आपने जरूर mention करने, explain करने. तो ये हमें voltage correct बढ़ानी पड़ेगी तभी ये होगा. हम voltage खुद ही बढ़ाएंगे knob से. Voltage हम increase करते जाएंगे, देखना पड़ेगा ना barrier के ऊपर depend करेगा कितना barrier. वो फर्दर डिपेंड करेगा सब्सटेंस के ऊपर, कौन सा सेमीकंडक्टर लिया हुआ है हमने. तो लिखिए नी वोल्टेज, इट इज द फॉरवर्ड वोल्टेज, इट इज मींस दैट वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच पोटेंशियल बैरियर इज कंप्लीटली ओवरकम. इट्स दैट वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच पोटेंशियल बैरियर इज कंप्लीटली ओवरकम and current shoots up, या फिर large current starts flowing. Current shoots up or large amount of current starts flowing. So this voltage is called knee voltage. These are the main points regarding it. After that we are going to plot the graph now. Now the graph, VI graph in case of forward biasing is called forward characteristics. ठीक है, तो लिख लीजिए heading. What do you mean by forward characteristics? हाँ जी, इसका experiment भी करना है आपने. हाँ जी, तो इसका आप सिंबल नोट कर लो. दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. ये पी टाइप साइड और बार इंडिकेट्स एन टाइप साइड. ठीक है, एरो है, एक एरो ही है ये सिंपली. ठीक है, तो अब इसमें देखिए इधर वोल्टमीटर लगेगा, इधर पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट होगा, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए बता रही हूँ आपको. पी टाइप साइड विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल और सेल और बैटरी. ठीक है, इधर हम लगाएंगे एमिटर. ठीक है, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम टू स्टडी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज अ ग्राफ
between forward voltage and forward current. The voltage in case of forward biasing may be called forward voltage, and current in this case may be called forward current. So graph between forward voltage and current is called forward characteristics. Characteristics matlab graph. ये देखो. तो देखिए अब क्या होगा कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर ओवरकम होगा, करंट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना शुरू होगा, बट बैरियर है तो खुल के पूरा इंक्रीज नहीं होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसके, ऐसे नहीं होगा. नाउ एज फॉरवर्ड वोल्टेज इज नी वोल्टेज इज रीच, देन द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल शूट अप. सिंस दिस वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज, पहले वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, बट नी वोल्टेज पहुंचने में करंट एकदम से स्टीप राइज होगा. So this is forward characteristics of PN junction diode. As we explained the working accordingly, we have plotted the graph, right? Okay. By knowledge of these characteristics, we can find static and dynamic resistance of diode. So let's find static and dynamic resistance of diode. Static resistance is also called DC resistance. Static resistance is also called DC resistance. It is V over I simply. कोई भी एक value ले लो corresponding, ठीक है? उसकी कोई भी एक value ले लो V over I, ये कर देना. OA upon OB ये आपको DC resistance देगा. ये practical में आप निकालोगे. To study forward characteristics of PN junction diode and find static and dynamic resistance. So, ये static resistance है, DC resistance मतलब एक value लेके एक से divide कर दो, कोई भी एक. ठीक है, dynamic resistance is also called AC resistance. Dynamic resistance is also called AC resistance. And that is change in voltage upon change in current. तो एक और value लेनी पड़ेगी हमें graph. Let us say this is C, this is B. So you will take the difference now. AC over BD. So AC over BD करके अब आपको dynamic resistance मिलेगा. So you have to take the changes in two values of voltage and corresponding changes in currents for those two values of voltage. ठीक है? अब है रिवर्स बायसिंग. नेक्स्ट इज रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग? सो डायोड इज सेट टू बी रिवर्स बायस्ड इफ पी टाइप साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी एंड एन टाइप साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल. उल्टा करके लगा दिया सर. So now it is said to be reverse biased. बना लो ये holes हैं और ये electrons हैं and accumulation of charges around the junction we have to show. अब देखते हैं कि इस reverse biasing का क्या effect होता है. Let us see the effect of this reverse biasing on the diode now. अब क्या होगा? The think of majority charge carrier holes. अब ये तो इस नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे. इन प्लेस ऑफ क्रॉसिंग द जंक्शन दे विल बी मूविंग आउटवर्ड्स. नाउ दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, सो दे विल नेवर क्रॉस द जंक्शन. सेम वे यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हैं, दे विल गेट रिपेल्ड फ्रॉम पॉजिटिव, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, दे विल ऑल्सो ट्राई टू मूव दिस साइड, दे विल नेवर क्रॉस द जंक्शन. So you will say no current flows practically due to majority charge carriers. Majority charge carriers की वजह से कोई भी current flow नहीं करता. No current flows due to majority charge carriers. ठीक है? अब ये देखो जो माइनॉरिटी में थे, ये एक आधा इलेक्ट्रॉन था इस साइड पे, इट विल गेट रिपेल्ड फ्रॉम दिस नेगेटिव पोटेंशियल एंड क्रॉस द जंक्शन. इधर एक आधा होल था, इट विल गेट रिपेल्ड फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल एंड इट विल क्रॉस द जंक्शन.
वेरी लिटिल करंट विल फ्लो एंड दैट टू ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज. बहुत ही नेग्लिजिबल सा करंट फ्लो करेगा और वो भी मेजोरिटी नहीं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से. कौन तुम पीछे मुड़ के देख रहे थे ना जब मैंने ये बताया, ये एक आधा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी में, ये इससे रिपेल होके जंक्शन क्रॉस कर देंगे. इधर ये वाला होल जंक्शन क्रॉस कर, ठीक है पूरा सुनो. सो अ लिटिल करंट फ्लोस ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. अब हार्डली कोई कोई चार्ज कैरियर इसको क्रॉस कर रहा है तो डिप्लीशन लेयर विल वाइडन, डिप्लीशन लेयर वाइडन्स और थिक हो जाएगी. डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिक और वाइडन्स. अब देखते हैं हमारा बैरियर फील्ड वॉज दिस साइड, आर अप्लाइड फील्ड ऑल्सो दिस साइड. हमारा अप्लाइड फील्ड भी तो इधर ही है पॉजिटिव से नेगेटिव. सो आर अप्लाइड फील्ड इज फेवरिंग द बैरियर फील्ड. सो बैरियर की हाइट और ज्यादा हो जाएगी. हाँ जी हेलो गुड मॉर्निंग. सो बैरियर की हाइट और ज्यादा हो जाएगी. सो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस. स्पेसिफिकली ये जो फैक्टर्स है ना, इफेक्ट बताने हैं आपने, ये बहुत जरूरी पॉइंट है. नो तीन में ही आएगा. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लीशन लेयर. हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस. हाँ जी हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस और आप कह सकते हो कि हाई रेजिस्टेंस पाथ इज क्रिएटेड. सो रिवर्स बायसिंग क्रिएट्स हाई रेजिस्टेंस पाथ वेयर हार्डली एनी चार्ज कैरियर इज क्रॉसिंग. ठीक है. आइडियल डायोड को तो हम ये कहेंगे कि इट कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बायस, इट डज नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स. ठीक है. तो हम हमेशा इसलिए उसको चलाने के लिए फॉरवर्ड बायसिंग ही प्रेफर करते हैं क्योंकि रिवर्स बायसिंग में आप देख ही रहे हो. ठीक है. अब रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं इसका ग्राफ. रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स इसमें देखो लास्ट पॉइंट, देयर इज अ एवलेंच ब्रेकडाउन ऑल्सो. ये पॉइंट कवर करते हैं. व्हाट इज एवलेंच ब्रेकडाउन. एवलेंच का मीनिंग पता है आपको, जब एकदम से स्नो जो है वो नीचे आ जाती है बहुत लार्ज अमाउंट में. एवलेंच का मतलब है लार्ज अमाउंट. तो ग्लेशियर्स वगैरह में ये एवलेंचेस होते रहते हैं. अब यहां पे एवलेंच ब्रेकडाउन कौन सा. एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज, एक ऐसी वोल्टेज आती है जहां पे चार्ज कैरियर्स दे स्टार्ट नॉकिंग आउट द एटम्स ऑफ द सेमीकंडक्टर इटसेल्फ. ये सेमीकंडक्टर के एटम्स के साथ ही कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं. सो मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ सेमीकंडक्टर दे गेट रप्चर्ड एंड मेनी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स दे बिकम अवेलेबल. सो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट शूट्स अप बट द डायड इज सेट टू बी ब्रोकन डाउन. डायड डैमेज हो जाएगा. करंट तो बहुत सारा फ्लो करेगा पर रिवर्स बायसिंग में अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करता है. तो इस ब्रेकडाउन की वजह से इतना जो करंट फ्लो करेगा, इस सिचुएशन को हम एवलेंच ब्रेकडाउन बोलेंगे. बिकॉज इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स एंड देयर नंबर विल गो ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल्सो. बट दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज इज नॉट डिजायरेबल. इट विल कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ डायड. हमारा डायड ही डैमेज हो जाएगा. तो ये पॉइंट भी आपने डिस्कस करना है. लिखिए एवलेंच ब्रेकडाउन क्या होता है. इट इज द रिवर्स वोल्टेज. इट इज द रिवर्स वोल्टेज एट विच चार्ज कैरियर्स, रिवर्स वोल्टेज इन विच चार्ज कैरियर्स नॉक आउट, चार्ज कैरियर्स नॉक आउट द एटम्स ऑफ द सेमीकंडक्टर. चार्ज कैरियर्स नॉक आउट द एटम्स ऑफ द सेमीकंडक्टर
itself. Full stop. Due to rupture of so many covalent bonds, large number of electron hole pairs are released. Due to rupture of so many covalent bonds, large number of electron hole pairs are released. Electron hole. हाँ, दो है ना चार्ज कैरियर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी. लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर रिलीज्ड ड्यू टू विच करंट शूट्स अप. दैट कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ द डायड. दैट कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ डायड. करंट शूट्स अप, दैट कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ डायड. ठीक है, कल हम करेंगे रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ प्लॉट करेंगे.